Good morning, the students of class 6. Myself, Adisar, your science teacher. Today, we have to discuss, first of all, the topic of food. Pehla chapter jo food hai. Uske baad us chapter se hi hum log discuss karenge. Aap ek baar books pe nazar rakhna. Ummeed kar rahe hain humne sabne books purchase kar chuke hain science book. Book ko open karenge. Hum kuch baatein jo kuch board work bhi kiye hain usko चर्चा करेंगे. आप उसको भी फॉलो करो, मेरा लेक्चर जो है उसको भी केयरफुली लिसन करो, सुनो, तो आप बहुत कुछ सीख पाओगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम आज सीखेंगे, व्हाट डू वी ईट, क्या हम लोग खा रहे हैं. सबका खाने का अलग अलग सिस्टम है. हमारे इंडिया जो है वैरायटी है, कहीं कुछ खाना लेते हैं हम लोग, तो वो उसके बारे में चर्चा करेंगे. आपके फ्रेंड्स के बारे में चर्चा करेंगे, इसका से आपका कंपेयर करेंगे, आप क्या खा रहे हो, आपका ब्रेन क्या खा रहे हो. तो व्हाट डू यू ईट, सेकंड क्वेश्चन का डिस्कशन है, व्हाट इज इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स क्या है उसके बारे में जानेंगे. थर्ड, वेरियस फूड आइटम एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, अलग अलग फूड आइटम का नाम हम लोग सीखेंगे. ऑब्वियसली आपको पता ही है, ये भी डिस्कस करेंगे. और उस जो फूड के बारे में हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो फूड में कौन सा मटेरियल है, कौन सा मटेरियल से फूड बना, उसके जैसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानेंगे. लास्टली फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्स, फूड मटेरियल्स जो है, जो इंग्रेडिएंट्स का रूप में यूज हुआ फूड में, वो कहाँ से आया, इसका बारे में लेंगे जानकारी. तो पहले हम लोग कैसे आए थे, व्हाट डू वी ईट. अब बुक्स में फॉलो करो, उसमें क्या होता है कि एक बॉक्स बना होगा, एक चार्ट, फ्लो चार्ट जैसा बॉक्स बना हुआ, उसमें लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, एक तो ऊपर फूड वैरायटी है, उसके नीचे आप देखना व्हाट डू वी ईट, व्हाट डू वी ईट लिखा है, उसके नीचे आप देखो नेम ऑफ द फ्रेंड्स दिया हुआ है. नेम ऑफ द फ्रेंड्स आपका यहाँ पर पांच फ्रेंड का नाम आपको लिखना है. वो दोस्त तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, अच्छा बुरा दोस्त खूब मिलेंगे, तो आप अपना पसंद का कोई पांच फ्रेंड का नाम लिखना. और राइट साइड में फूड आइटम ईटन इन ए डे, वो पांच फ्रेंड का एक दिन का खाना, किस तरह कौन सा खाना उसने लिया, वो जानकारी लेके आप लिखना. इस चार्ट को बुक में फिल करोगे, आपको रिमाइंडर दो, बुक में जब आप काम करोगे यू शुड यूज द वुड पेंसिल, नेवर यूज द पेन. बुक में पेन नहीं चलना चाहिए, नोटबुक में पेन चलाओगे, बुक में आप पेंसिल का यूज लेना, पेंसिल में बुक में भरते रहना, और नोटबुक साइज का नोटबुक आप बनाओगे अलग से, पर्टिकुलर वे पे बनाओगे, उसमें इंडेक्स वो पेज होना चाहिए, अगर इंडेक्स का पेज है तो गुड, नहीं है तो दो पेज आप इंडेक्स बनाओगे, आपको फिफ्थ में सिखा दिया गया है, बनाओगे फिर दो पेज. इंडेक्स होने के बाद आप टॉपिक को स्टार्ट करोगे, ऊपर फूड हेडिंग करोगे, पर ये जो बॉक्स हम बोले नेम ऑफ द फ्रेंड, फिर राइट साइड में फूड आइटम ईटन इन अ डे, इसको आप इन फूड में करोगे, पहले बुक में फिर नोटबुक में. किस तरह करोगे, पहले पांच फ्रेंड का नाम लिखना आपका, और वो पांचों फ्रेंड क्या क्या खाना खाया एक दिन में, उसका बारे में थोड़ा रुपये करके लिखना, कौन सा फूड खाया. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वॉट इज इंग्रेडियंट्स, इंग्रेडियंट्स नाम क्या है, ढंग से सुनो. आंसर है द मटेरियल, वो सामान, विच आर, व्हाट इज इंग्रेडिएंट्स, कब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इंग्रेडिएंट्स क्या है, आंसर क्या होगा, द मटेरियल विच आर नीडेड, ऐसा मटेरियल जिसका जरूरत है टू प्रिपेयर द पर्टिकुलर फूड. कोई फूड बनाने में जिस मटेरियल का जरूरत हुआ, उस मटेरियल को एक साथ हम लोग इंग्रेडिएंट्स बोलेंगे. Once again, I repeat this one. The materials which are needed to prepare the particular food is called ingredients. अब नीचे activity 2 में आप देखो various food item and their ingredients. जो third question में various food item and their ingredients लिखा हो, अब book में check कर रहे हो, देख रहे हो, बिल्कुल देखो उसमें food item पहला है रोटी और चपाती लिखा हुआ. तो रोटी और चपाती लिखा हुआ, उसका राइट साइड पर देखो इंग्रेडिएंट्स में क्या है, आटा बटर, मतलब ये जो इंग्रेडिएंट्स है
सो आप रोटी और चपाती बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स या रॉ मटेरियल का यूज हुआ वो है आटा और बटर, पानी और आटा के मिश्रण से ही रोटी बना, तो फूड का नाम क्या हो गया, रोटी या चपाती, है ना। इंग्रेडिएंट्स के रूप में जो यूज हुआ वो आटा और बटर। दूसरा आपका जो दाल, अगर दाल बनाना है घर पे मम्मी से पूछा करो, दीदी से पूछा करो क्या क्या है, अगर नहीं है तो आप हम आपको हेल्प कर रहे हैं, आप सीखो। तो उसमें देखो पल्सेस जो दाल दुकान से खरीद के आप लोग उसको पल्सेस बोलते हैं, इसका जरूरत पड़ेगी। वाटर पानी तो चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल और घी का जरूरत होगा, स्पाइसेस का जरूरत होगा, मसाला। तो ये जो नाम हम लोग बोले दाल जो होगी ये फूड आइटम है, और इस फूड आइटम दाल को बनाने में जो एज ए रॉ मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स की जरूरत हुई वो हो गया पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल और घी एंड स्पाइसेस मसाले। नेक्स्ट है खीर, दो ही आप लोगों में है, दो हम जोड़ रहे हैं, आप भी और एक दो जोड़ देना। खीर, खीर बनाने के लिए क्या चाहिए इंग्रेडिएंट्स में, मिल्क, राइस, शुगर। कैलकुलेट नोट कर लो आप बुक में या कहीं, खीर बनाने में क्या चाहिए, मिल्क, राइस, शुगर, ये तीन से बन जाएगा खीर। नेक्स्ट और अगर लेते हैं वेजिटेबल करी, सब्जी बनाना है आपको, वेजिटेबल करी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, वेजिटेबल तो चाहिए जो मार्केट से आ जाएंगे, स्पाइसेस चाहिए, मसाला, सॉल्ट चाहिए नमक, और इसमें और क्या चाहिए, इसमें वाटर चाहिए, अलग अलग ऑयल और घी की जरूरत है। तो इस तरह वेजिटेबल करी बन जाएगा अलग अलग रूप से। आप इसको हम यहाँ पर तीन पॉइंट रखें, आप इसको चार या पाँच मिनट में कन्वर्ट करना, हम तीन चार पॉइंट यहाँ पर, तो एक रोटी चपाती हो गया, एक दाल हो गया, एक खीर हो गया, एक वेजिटेबल करी हो गया। आप दो एग्जाम्पल आओ करना आपका नोटबुक में, दो एग्जाम्पल आओ करना बुक्स की जगह पर करना, दो एग्जाम्पल आओ करके उसको कुल मिल करना। नेक्स्ट अध्याय में हम लोग फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेस, फूड मटेरियल जो हम लोग मिला, फूड मटेरियल का मतलब क्या हुआ बेटा, इंग्रेडिएंट्स, ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आया, इसका सोर्स क्या है, देखते हैं आंसर क्या हो सकता है। सुनो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ फूड, सिर्फ दो ही, इतना बड़ा दुनिया में दो तरह के सोर्स है फूड का, नंबर वन प्लांट प्रोडक्ट, नंबर टू एनिमल प्रोडक्ट। प्लांट प्रोडक्ट्स, तो प्लांट से जो मिला मेरे को आपको, ये प्लांट प्रोडक्ट्स है, और कुछ प्रोडक्ट एनिमल से भी मिलते हैं, ये हो गया एनिमल प्रोडक्ट। तो प्लांट प्रोडक्ट्स क्या है, दोस काइंड ऑफ फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, ऑब्टेन मतलब मिलना, जो प्लांट से मिला, और प्लांट प्रोडक्ट एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, क्या क्या, मान लो राइस है, ऑयल है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, ये तो हम दो चार एग्जाम्पल बता रहे हैं, क्योंकि आप तो बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हो, सबके सब ये राइस, ये व्हीट, ये फ्रूट, ये वेजिटेबल, ये क्या है, ऑब्वियसली ये प्लांट प्रोडक्ट है, प्लांट से मिला। दूसरा क्या है, हम लोग सीख रहे हैं एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल्स के द्वारा, एनिमल से जो मिला वो क्या है, दोस काइंड ऑफ फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, आर कॉल एनिमल प्लांट, जिस तरह का फूड एनिमल से मिलता है उसे एनिमल प्रोडक्ट बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मिल्क, आपको पता ही है काउ मिल्क होते हैं, बहुत सारे मिल्क होते हैं, तो मिल्क मिला, एग, एग भी होते हैं, एक अंडा भी होते हैं, मीट भी होते हैं, जो जैसा खाने का जी रिवाज है जहाँ पर, उस तरह का कोई एनिमल प्रोडक्ट यूज करते हैं, कोई प्लांट प्रोडक्ट का यूज करते हैं, तो उससे कोई बात नहीं है, अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट जो भी जिसका एरिया वाइज पसंद है उस तरह लेंगे। लेकिन हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो कैटेगरीज तो करना ही पड़ेगा, तो दो तरह का हो गया, एक प्लांट प्रोडक्ट हो गया, एक एनिमल प्रोडक्ट हो गया। प्लांट प्रोडक्ट आप समझ गए, दोस काइंड ऑफ फूड ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, ओके। जैसे एग्जाम्पल हम लोग राइस का ले लिए, व्हीट का ले लिए, फ्रूट्स का ले लिए, वेजिटेबल का ले लिए। दूसरा क्या था, एनिमल प्रोडक्ट, दोस काइंड ऑफ फूड ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स, एनिमल्स से मिला, जैसे मिल्क, जैसे एग, जैसे मीट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसका पहले जिस तरह मेरे लेक्चर आपने सुने, लिसन किए, उसको सुनेंगे, नोटबुक पे नोट करेंगे, चार क्वेश्चन आपके सामने तैयार है, आप देख रहे हो, देख सकते हो चारों क्वेश्चन का आंसर आपका नोटबुक में, साइंस का नोटबुक में सुंदर ढंग से, यू शुड राइट द क्वेश्चन इन ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखेंगे, एंड आंसर शुड बी रिटन